हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर फाइन। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट हाउ वी कैन कोड इन आवर रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशंस फॉर द बिगनर्स। बेसिकली सेशन जो है वो बिगनर्स के लिए है कि किस तरीके से वो कोड कर सकते हैं और किस तरीके से वो शुरू से ही अपने क्या कहते हैं कोड को क्लीन कर सकते हैं, ताकि वो किसी फर्म के अंदर या किसी एसोसिएशन के तहत कनेक्ट हों तो उनका कोड क्लीन दिखे और उनकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़े अपने सीनियर डेवलपर के साथ, ताकि उनका कोड समझ में आ सके और वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकें एक अच्छे तरीके से कि मुझे कोड आता है। क्योंकि बेसिकली मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इतना कुछ नहीं सीखा अपनी इनिशियल स्टेजेस में कि किस तरह से कोड होता है, किस तरह से आप क्लीन कोड कर सकते हैं, आप किस तरह से कोड को रीड कर सकते हैं, रीडेबल बना सकते हैं। तो मैंने बहुत सी मिस्टेक्स करी, तो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है, अब मैं उसको ठीक करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के जरिए जो हमारे बिगनर्स हैं जो इस वक्त कोड कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए कि वो पहले से ही अपने पैटर्न को अच्छा कर सकें और एक अच्छे कोड के साथ जाएं किसी भी फर्म में, ताकि उनको मुश्किल ना हो और उनको एप्रिसिएशन ही मिले सामने से। सो लेट स्टार्ट इट। यहाँ पर मैंने बेसिकली यहाँ पर तीन स्क्रीन बनाई हैं। अगर आपको मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा हो, पहली स्क्रीन, दूसरी स्क्रीन एंड तीसरी स्क्रीन, ठीक है, ये तीन स्क्रीन हैं। तो ये एक बटन है, एक कार्ड है। नोटिस ये करें कि आपकी स्क्रीन के ऊपर कार्ड भी एक है और बटन भी एक है, तो सेम यूज़ हो रहा है। तो उसके अंदर अब फाइल स्ट्रक्चर पर सबसे पहले बात करें तो उसके अंदर आता है हमारे पास SRC के मैंने फोल्डर बनाया एप्लीकेशन के अंदर, जिसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया पेजेस का, जिसके अंदर हमारी तीन स्क्रीन हैं, स्क्रीन वन, स्क्रीन टू, स्क्रीन थ्री, जो आपको मेरे मोबाइल के अंदर भी दिखी थी जब मैंने नेविगेट किया था। अच्छा, इस स्क्रीन के अंदर इंडेक्स की फाइल है और स्टाइल की फाइल है। इंडेक्स की फाइल जिसमें कोड हुआ है, स्टाइल की फाइल जिसमें स्टाइल हुआ है, ठीक है। अच्छा, कुछ क्या होता है शुरू में, हम जैसे मैं यहाँ पर इस फाइल के अंदर दिखाऊँ तो आपको मैंने यहाँ पर देखिए इनलाइन स्टाइलिंग की हुई है, ये तो मैंने एक लिखी हुई है, बहुत सारी। जैसे मैं इसके अंदर जाता हूँ अपने बॉटम के अंदर, तो इसके अंदर जो है वो आपको दिखेगी स्टाइलिंग बहुत सारी। मैं अगर खोलूँ अपना कंपोनेंट बॉटम का तो देखें इसके अंदर ये जो एक है, ये एक डिव को है, एक मतलब व्यू यूज़ करते हैं इसके अंदर, तो व्यू को है और बहुत बहुत सारी स्टाइलिंग दी हुई है, सही है। तो ये अब मैं अगर इस स्क्रीन पे लगा दूँगा मेन स्क्रीन जो इंडेक्स स्क्रीन है, बहुत घिचपिच लगेगा कोड, तो उसकी वजह से जो है वो आप जो है वो ये यूज़ करें, सही है, स्टाइलिंग यूज़ करते हैं ताकि कोड क्लीन हो, कोड साफ दिखे, रीडेबल दिखे, सही है। फाइल सेपरेटेड होती है तो उसके से और रीडेबल दिखता है कि स्टाइल की फाइल अलग है और इंडेक्स की फाइल अलग है, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो ये तो स्टाइल की बात होती है, स्टाइल आप डिफरेंट करेंगे उससे, ताकि आपका कोड भी क्लीन दिखे और आप सेपरेटली स्टाइल कर सकें और घिचपिच ना हो कोड के अंदर, जो ना कोड मैसी ना लगे, मैक्सअप ना हो, सही है। दूसरी बात ये हो गई कि अब आप अगर देखें मेरा कार्ड है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है, यूज़ हो रहा है तीनों स्क्रीन के ऊपर, तो मैं यानी कि वो एक कॉमन कार्ड है जो भले एक से ज़्यादा टाइम यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए जो आप एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाए SRC के ना, जिसके अंदर आप वो सारे कंपोनेंट्स रखेंगे जो आपके एक से ज़्यादा ऐप में यूज़ हो रहे हैं, भले वो दो बार हो रहे हो, आप उसको सेपरेट बनाए। उससे होगा ये कि आगे किसी वक्त आपको काम करना पड़ेगा ना, तो आप उसके अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। जिसमें देखिए आप एप्लीकेशन की हाफ हो गई, उसके बाद आपको याद है कि एक कंपोनेंट यार ये उधर भी यूज़ होते हैं जो अगले हिस्सा कर रहा हूँ, तो अब आप उसको दोबारा से डिज़ाइन करेंगे दूसरों उसके लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ आपने यूज़ करा हो, या तो अलग अलग, या फिर आप जो है वो फिर हर कंपोनेंट के लिए अलग बनाए, तो मसला ये है कि उससे फिर कोड देना पड़ता रहेगा। तो आप एक जगह बना दें कॉमन, उसका आप यूज़ करते ना प्रॉप्स भेज के, सही है। तो ये इसलिए जो है वो कंपोनेंट का फोल्डर है, जिसके अंदर मैंने एक बनाया हुआ है कार्ड का जो आपको दिख रहा है, और एक बॉटम का जो बटन है वो दिख रहा है, ये दो बनाए थे मैंने, ठीक है। अच्छा, ये जहाँ तक हुई हमारी बात कि हम कंपोनेंट्स जो एक से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं उसको सेपरेट कर देंगे कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर, ताकि आपको रीयूजेबल कर सकें और आपका कोड जो है वो लेंदी ना हो हर कंपोनेंट के अंदर। जैसे ये इसके अंदर भी यूज़ हुआ है, स्क्रीन वन के अंदर भी यूज़ हुआ है बॉटम आप देखें तो, स्क्रीन टू के अंदर भी यूज़ हुआ है ये बॉटम, इवन कि तीनों स्क्रीन के अंदर यूज़ हुआ है, सही है। तो अब ये हो गया हमारा कि हम सेपरेट कोड करें। तीसरा क्या आता है हमारे पास कि अब हम फर्ज करें मेरा जो कार्ड है, अगर स्क्रीन वन पे देखूँ मेरे पास कार्ड के अंदर पहले क्या आ रही है, क्वांटिटी 3, ठीक है। मैं कार्ड टू पे गया, कार्ड टू पे आ रही है 0, लेकिन ये 0 नहीं आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने रिफ्रेश नहीं करी एप्लीकेशन, कार्ड टू पे आ रही है नल। अब मैं चाहता हूँ कि यार नल यूज़र को क्या दिखे, क्वांटिटी क्या मतलब, नल क्या मतलब, कुछ भी नहीं है, कुछ भी लिखा नहीं आ रहा, तो ये अच्छा व्यू नहीं है। तो इसको अगर मैं ये कहूँ कि अगर कोई क्वांटिटी नहीं है तो इसकी 0 आए, तो उसके लिए यूज़ होता है डिफ़ॉल्ट प्रॉप, सही है। तो अब जैसे मैंने इस स्क्रीन के ऊपर तो कार्ड के अंदर प्रॉप दिया हुआ है क्वांटिटी और उसको 3 दिया हुआ है, लेकिन जो दूसरी स्क्रीन है
उसके ऊपर मैंने कोई भी प्रॉप नहीं दिया हुआ, तो ये इस कार्ड के अंदर जाके जो है वो कुछ है ही नहीं, तो वो दूसरी सी बात है वो उसको प्रिंट ही नहीं करता इस प्रॉप को। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप यहाँ पर लिखें कार्ड कंपोनेंट का नाम डिफॉल्ट प्रॉप्स और इसके अंदर क्वांटिटी ज़ीरो कर दें। तो अब अगर आप इसको रिफ्रेश करें, यहाँ जाएं, इसको चलाएं, तो अब आप देखिएगा कि इसके अंदर ज़ीरो लिखा हुआ आएगा। हालांकि मैंने प्रॉप्स पास नहीं करा, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट प्रॉप पकड़ रहा होता है। सॉरी, मैंने क्या गलती करी भाई, डिफॉल्ट, सॉरी, या मैंने स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी, आगे डिफॉल्ट प्रॉप। ठीक है, इसको दोबारा से रन कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए, ठीक से ट्रस्ट हो जाए। ये देखिए, ठीक है, एक कार्ड पे थी तो तीन आ गई, दो कार्ड पे नहीं थी तो ज़ीरो आ गई। ये हम आगे हमारा कवर हो गया थ्री पार्ट के डिफॉल्ट प्रॉप हम देते हैं ताकि यूज़र का इंटरेक्शन अच्छा पड़े। इवन कि हम इसके अंदर फंक्शन भी दे सकते हैं कि हम यहाँ पर कोई फंक्शन लिखे हैं। अगर फर्स्टली मैं इसको टचेबल बना रहा हूँ इस पूरे कार्ड को, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टी ओ यू सी एच टच टच ओपेसिटी, सही है, और इसके अंदर टच ओपेसिटी ले लेता हूँ ऊपर से, और मैं इसको जो है वो ऑन प्रेस प्रेस। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डिफ़ॉल्ट फंक्शन प्रोवाइड कर देता हूँ, फंक्शन नेम देता हूँ मैं ऑन क्लिक, ठीक है। अब ये प्रॉप डॉट ऑन क्लिक, अगर मैं देखूं ओके ये जो है, तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, आई थिंक ये स्क्रिप्ट लोड नहीं हुई है इसकी। या देखिए चल रहा है, अभी फट नहीं रहा। अब मैं इसको अगर दो एक जगह पे देता हूँ, मैं स्क्रीन वन में इसको दे देता हूँ ऑन क्लिक और कंसोल करा देते हैं, स्क्रीन टू और थ्री में नहीं देता मैं, तो मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फंक्शन कंसोल डॉट डॉट लॉग ओके, मैं ये देखूं रन करता हूं, मैंने वन पे ही लगाया है ना, या ऑन क्लिक और कार्ड के ऊपर प्रेस डॉट ऑन क्लिक, मैं तो ये चलाना, ओके कुछ नहीं हो रहा। सॉरी, देख रहा मैंने गलतियाँ कर दी है, मैंने कार्ड ये था बॉटम पे दे रहा था। चलिए ओके, सो हमारा ये पैटर्न भी हो गया कंप्लीट कि हम जो है वो डिफ़ॉल्ट प्रॉप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब एक लास्ट है, वो ये है कि हम अपनी थीम डिफाइन करके रख लें। थीम से मतलब है कि हम अपना, जैसे अब फर्ज करें यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि थोड़ा सा पैडिंग है, सही ना, स्क्रीन के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर व्यू, हर स्क्रीन के व्यू के अंदर पैडिंग है। तो अब मुझे जो है वो इसको ऐसे देना है कि आप फर्ज करें, एक सिनेरियो आता है कि यूज़र बोलता है, कोई क्लाइंट बोलता है कि नहीं मेरी हर स्क्रीन के ऊपर 10 पैडिंग नहीं हो या थोड़ा सा इसको कम कर दो, तो आप क्या हर जगह पे जाके चेंज करेंगे हर स्क्रीन के ऊपर? तो उसके लिए जो है वो यहाँ पर होता है एक कॉन्फिग का फोल्डर, और उसके अंदर मैं कॉन्स्टेंट्स की फाइल बनाता हूँ,
सही है, ये मैं अपनी उससे बना रहा हूँ, कुछ भी ले सकते हैं। और इसके अंदर मैं करता हूँ एक्सपोर्ट पोर्ट डिफॉल्ट, सही है। और इसके अंदर मैं देता हूँ मार्जिन, सही है। मैं एक नाम रख रहा हूँ मार्जिन, या आप नाम रख सकते हैं मार्जिन अपने 10, सही है। स्क्रीन मार्जिन, ठीक है, ये दे दिया मैंने। अब मैं गया अपनी स्क्रीन के ऊपर, सही है, स्टाइल के अंदर। यहाँ मैंने क्या करा, इंपोर्ट कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम, कहाँ से, कॉन्फिग कॉन्स्टेंट। अब मैं गया इसके अंदर, मैंने लिखा मार्जिन कॉन्स्टेंट डॉट स्क्रीन मार्जिन। अब अगर आप देखेंगे तो मेरी हर स्क्रीन के ऊपर मार्जिन आना चाहिए मेन के अंदर, सॉरी मार्जिन, अच्छा मैं पैडिंग कर देता हूँ यहाँ पर, मार्जिन छोड़ें, पैडिंग कर देता हूँ। तो मेरी हर स्क्रीन के ऊपर, हर स्क्रीन के ऊपर नहीं, स्क्रीन वन के ऊपर पैडिंग आनी चाहिए। तो ये देखेंगे आ गई स्क्रीन वन के ऊपर पैडिंग। इसी तरीके से मैं स्क्रीन टू के अंदर जब लिखूंगा तो स्क्रीन टू पे देगी। अब जब मैं वहां से चेंज करूंगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ ये, जब मैं वहां, अच्छा इसके अंदर SSL की फोन बनी। अब मैं यहां से चेंज करूंगा खाली कॉन्स्टेंट से, मैं इसको 10 की जगह पे जाकर 30 कर देता हूँ। देखिए स्क्रीन पे इफेक्ट पड़ेगा, ये हर स्क्रीन पे इफेक्ट होगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम शुरू से लेकर चल सकते हैं अच्छे तरीके से। आई होप यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू योर फेलोज एंड प्लीज़ लर्न, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। और एक और चीज़ आया है, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैंने ये रिएक्टिव अभी जो लेटेस्ट आई है उसके अंदर आई है, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ टेक्स्ट। ये बड़ा अच्छी फीचर है यार, अनडिफाइंड, सही है। और अनडिफाइंड को मैंने यहाँ करा तो ये इसमें एरर देगा, ये अच्छी चीज़ें इसने बता दी कि अनडिफाइंड आपका जो कांट फाइंड वेरिएबल अनडिफाइंड। तो ये एक रेगनेटिव की अच्छी चीज़ है यार, वो यार लाल की स्क्रीन से हट गए हम, तो एक अच्छी अचीवमेंट है रेगनेटिव वालों के लिए। सो आई होप आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई वीडियो एंड कमेंट बिलो इट इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अगले टॉपिक के साथ, के एक और टॉपिक मैं लेके आऊँगा न्यू आपके लिए। थैंक यू।